नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, पाए लगे पंडित जी, आप तो लेट हो गए पंडित जी। सूर्य भगवान तो कब से उदय हो गए? रात को विवाह संपन्न करके घर देर से लौटे तो हमारा वो 3 बरस का ननकू रोना ही ना बंद हुआ। पिछले कई दिनों से अस्वस्थ है वो, टट्टी लगी रहती है उसी। वो सोया तो तनिक आँख सी लग गई, इसी बीच सूर्योदय भगवान भी उदय हो गए। सूर्योदय तुम्हारी सुविधा अनुसार नहीं होगा दयाशंकर,
सूर्य अनुसार जीवन व्यतीत करना प्रत्येक ब्राह्मण का कर्तव्य है और मंत्रोच्चारण दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ग्राहक तो मिल जाएंगे, प्रभु नहीं। शिव 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 होगी पंडित जी, आप देखे नहीं थे। पंडित चतुर्वेदी को छू लिया तूने? नहीं नहीं, वो गलती से, हम देखे नहीं थे, गलती हो गई, हमें माफी दे दो। अरे कनुआ, ओ मनुआ, यहाँ रे, जल्दी पंडित चतुर्वेदी को इसने अपवित्र कर दिया है। अरे मारो, 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 काहे भारत जोगी, बस बस करो, अरे जाइ जो, अरे बस बस करो। What's going on? ब्रह्मण है हम। लॉर्ड ब्रह्मा पर्सनली गिव अस दिस मोस्ट सुपीरियर कास्ट। प्रजाप्रतिर्य सहजम। रोष्टुद, अनटचेबल, ही नोज, उसको पता है उसकी परछाई भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए। और उसने पंडित चतुर्वेदी को छुआ। So Pandit ji needs to purify himself. राम राम पंडित जी, आपके नाम पर लोग उस बेचारे को मार रहे थे, पीट रहे थे, और आप कुछ बोले नहीं। पंडित जी क्या करे, दोस्त और नीच क्या था जिसने पंडित जी का धर्म भ्रष्ट कर दिया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, हमारे शास्त्रों में भी तो यही लिखा है। अरे वाह, पंडित जी को शास्त्र सिखा रहे हैं आप। अगर इतना ही घमंड है आपको अपने ज्ञान पर, तो कर लीजिए पंडित जी से शास्त्रार्थ। श्याम, महादेव की कृपा से हमने भी अपने शास्त्रों का अध्ययन किया है। प्रणाम। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। जागो, हाय बो। प्रणाम पंडित जी। लड्डू बनाए हैं, भोग लगा दीजिएगा, घर भिजवा दूंगा। भिजवा दीजिए बेटिया, पैसा दे जाए। पंडित जी, उस जोगी की बात का अर्थ क्या था? अर्थ जान भर लेना पर्याप्त नहीं है, धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है तो जीना पड़ता है उसे। महादेव पंडित जी। महादेव शुक्ला जी। संसार भरा पड़ा है ऐसे घर छोड़ योगियों से, यदि आपको धर्म का मर्म ज्ञात करना है तो केवल पंडित जी की शिक्षा पर ध्यान दें। अंडरस्टैंड मिस्टर पॉल। प्रणाम पंडित जी। महादेव, प्रतिदिन आग्रह करने से हमारा विचार नहीं बदलेगा। गोरखनाथ, हमें किसी संगठन में सम्मिलित नहीं होना। पाल, आफ्टर वन आवर बेटा। ओम सौराष्ट्र सोमनाथम श्री शैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम मंगलेश्वरम परल्यां बद्रनाथम चडाकिन्यां भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावनम वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतम तटे हिमालय तु केदारम कुशमेशम च शिवालय शंभवाय पूर्ववारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तु हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम चलत्कुंडलम ब्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानमं नीलकंठम दयालम मृगादीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि माजी। संभल के जाना जी, और सड़क से या किसी और का भोजन मत करना। आज भदोही में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। एक विशेष समुदाय के 40 लोग मारे गए, कई घर जला दिए गए। हमारे संवाददाता ताऊ जी, ये हिंदू मुस्लिम दंगे अचानक कैसे शुरू हुए? अचानक कहाँ, इतिहास भरा है ऐसे दंगों से। एक चिंगारी देता है, दूसरा आग लगा। अर्थात पिता पुत्र को, पति पत्नी को, संबंधी संबंधी को, भाई बंधु एक दूसरे को त्याग देते हैं, किंतु गंगा जी, गंगा मैया कभी किसी का परित्याग नहीं करती, अगर उसने एक बार भी उनके जल में स्नान किया हो तो। वो जीवन पर्यंत उसके पापों को हर के उसे मोक्ष का अधिकारी बनाती है। इस घोर कलयुग में जहां सद्गुणों का लोप हो रहा है, गंगा मैया की उपस्थिति हमारे बीच सौभाग्य की बात है। धूल रतिया का घन घो। प्रणाम प्रणाम भाई भो। आपके बाकी विद्यार्थियों को आने में देर हो गई है या हमारे काम जल्दी निपट रहे हैं? तुमने फिर भूलने में शीघ्रता दिखाई पार्वती। हम विष्णु सिंह जी के यहाँ अनुष्ठान पर जाएंगे तो विद्यार्थियों को तुम पढ़ोगी। आज तो हवन है सूर्य प्रकाश की सुबुद्धि के लिए। लगता ही नहीं विष्णु सिंह जी की संतान है। उसका मस्तिष्क कितना गर्म रहता है कि उसमें शांत विवेकशील विचार प्रवेश करें भी तो कैसे। इस अनुष्ठान में तो समय लगेगा। हाँ, कई जन्म भी लग सकते हैं। हम हवन के बारे में कह रहे थे। वो तनिक शीघ्र हो सकता है। तब तो दोपहर से पहले आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ब्राह्मण हूँ, सदैव आत्मा के आहार को प्राथमिकता दूँ। शरीर का ध्यान तो पशु भी रखते हैं। तुम भोजन अवश्य कर लेना। वैद्य जी ने कहा है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक समय पर भोजन करना अनिवार्य है। यदि आपको पता है कि आपकी आत्मा के लिए क्या उचित है तो हमें भी पता है। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। स्त्री हो, तुम्हें हमारे व्रतों को रखने की ना तो आवश्यकता है ना अनुमति। पता है, पर हम वो एक व्रत अवश्य रख सकते हैं जिसे रखने की आपको अनुमति नहीं। Pandit ji, I read somewhere that a woman's Pativrat Dharam says that she must obey all of her husband's wishes. Somewhere nahi, manusmriti mein likha hai.
अध्याय 9 के श्लोक 154-155 में, हस्बैंड इज गॉड फॉर मैरिड वुमन। बहुत ही बढ़िया बेटिया। प्रणाम पंडित जी। महादेव। पाल, अ वुमन विदाउट हस्बैंड हैज नो स्टेटस इन सोसाइटी। प्रणाम पंडित जी। महादेव। आइए। प्रणाम। आजकल पंडित जी के साथ किस विषय पर चर्चा हो रही है? एक बहुत ही रुचिकर कॉन्वर्सेशन ऑन अ वुमेन्स पतिव्रत धर्म। अच्छा अच्छा, पिछले जन्म का पुण्य है तुम्हारा जो सात समंदर पार करके पंडित जी से संस्कार और धर्म की शिक्षा पा रहे हो, और ये ही उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति। तुम समझाओगी? चुप, तुम पीछे मत बोलो प्रभा। मैंने कह दिया ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। उपवास किए, चलो जी। तरफदारी मत करो ज्यादा उसका। चुप रहो, चुप, एकदम चुप। पंडित जी, क्या हमारा हवन में बैठना जरूरी है? बड़ी मुश्किल से बाबूजी ने एमए में एडमिशन की परमिशन दी है। आज आखिरी तारीख है और सूर्य भैया कह रहे हैं। बहुत पढ़ लिया। घर में हवन है, चलिए हम पढ़ लें। सूर्य प्रकाश, आप चुप रहिए। बाबूजी, ज्यादा पढ़ लिख जाने के कारण ही लड़कियों में संस्कार नहीं रह जाते। आई करेंगे संस्कार। हमारी संस्कृति में तो किसी से भी इस प्रकार बात नहीं की जाती सूर्य प्रकाश, विशेष रूप से अपने पिताजी से। जहां तक मनी का प्रश्न है तो इस पूजा में तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। विष्णु सिंह जी जैसा उचित समझें आदेश दे सकते हैं। तुम जाओ बेटी जी, हवन का प्रबंध प्रभा देख लेगी। फिर आप ही कर लीजिए हवन। रुक जाओ प्रभा। यह हवन तो होगा बेटे, और तुम ही करोगे। मुखम सर्वदेवानां सप्तारचर विद्यते आगच्छ भगवन् अग्ने यज्ञेऽस्मिन् सन्निधौ भव। हम कहे दोस्त पंडित चतुर्वेदी का है, जब बड़ा भाई मना कर रहा था तो वो बीच में काहे वहां लगाए थे। अरे यार, खुद को गौर जो समझते हैं, और ये बाबूजी और बेवकूफ बनारसियों के लिए है भी तो ईश्वर। है तो नहीं ना वो। होते कौन है लोगों के जीवन का नियंत्रण करने वाले? साले हैं, तुम भी तो वही करना चाहते हो। आई डोंट नो क्या तुम्हें पंडित चतुर्वेदी की नौकरी और पदवी दोनों का लालच है। वेलकम जजमान, कम प्रे पीस पर फादर, ग्रैंडफादर और डैड। लालच कहेगा? पंडित चतुर्वेदी पंडिताई के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजे हैं, और ज्ञान हम कम है क्या उनसे? प्रणाम पंडित जी। वेलकम मैडम, डू अभिषेक पूजा, गंगा रिवर ब्लेसिंग, कम सिट सिट। आदित्यावस्व रुद्रा विश्वदेवा मुरुदुगणा तिलकंतु प्रयचंतु धर्म कामार्थ सिद्धे। ओम मंत्रार्थ सफला संतु पुनः संतु मनोरथा शत्रु मितताम यांतु मितताणाम उदयस्तवः। अब मैडम दक्षिणा। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। तो बोले ठीक है भाई, गोरियों के हाथ पकड़ो, गाल छुओ, घर परिवार भी चलाना होता है भैया। पंडित चतुर्वेदी की तरह हमारा खर्चा आपके बाबूजी तो नहीं देते ना? अरे तो तुम भी तो हमारे मंदिर के प्रधान पुजारी नहीं हो ना? बन जाओ प्रधान पुजारी।
दिखाते आप बड़े प्यारे बहुत प्यारे विमला का पुत्र है क्या हुआ एक बेचारी औरत प्यासी थी इसे बच्चा थमाकर पानी पीने चली गई पर लौटी नहीं क्या तुम किसी के भी बच्चे को घर उठा लाए बिना जात का पता किए तुमने उसे छुआ भी कैसे बच्चा ब्राह्मण का है वेदिका ने पूछ लिया था फिर भी बच्चे को घर नहीं लाना चाहिए था उसकी मां चिंता कर रही होगी जाओ आप प्रतीक्षा करो उनकी 4 घंटे हो गए वो अभी तक लौटी नहीं ईश्वर करे सब ठीक हो तूने उसे बता दिया था ना कि तू पंडित जी की बेटी है फिर तो वो निश्चित रूप से पहुंच जाएगी यहाँ आप आरती कीजिए मैंने सामग्री तैयार कर रखी है जा इसे वहां बहला ला जा प्रातः पूजन दोपहर में करने का विचार है आप चलिए हम बच्चे के लिए दूध गर्म करके चले जाएंगे वो भूखा उठेगा वेदिका की पढ़ाई में विघ्न डालेगा तुम्हारे और ईश्वर के बीच तो आ ही गया हमारा अपना बेटा होता तो वैसे भी ईश्वर मनुष्यों के घड़ी के अनुसार नहीं चलते वो सब जानते हैं ईश्वर सर्वज्ञाता है होने पर हम सर पर भाग गया है तुम्हारे बाबूजी की पूजा की थाल हम उनके आने से पहले तैयार करते हैं और तुम्हारा ये राजा भैया देर पर देर करा रहा है वेदिका जी से उठा ले बेटा ठीक है फिर हम पूजा की थाल ठीक करते ही उसे उठा लेंगे बस हो गया आप भगवान को स्नान करिए हम थाली लेके आते हैं गोक्षीर दामन देवेश गोक्षीरेण मयाकृतम देवेश शिवशंकर की ममता में अंधी हो गई हो तुम दोबारा स्नान करना पड़ेगा हमें तुम्हें उसने दो बार स्नान कराया कि नहीं जा रहे हैं
हम नाश्ता बना देते। माँ हमने सब तो पी लिया है। ये इतना चीख रहा था ना, हमें लगा मणि आएगी और संभाल लेगी, पर मणि भी नहीं आई। हमें रोटी बना देनी चाहिए थी। माँ आप राजा भैया का ध्यान रखिए, हम अपना रख सकते हैं, और कल सवेरे से जल्दी उठकर हम आपका भी हाथ बटा देंगे। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल तक अगर इस बच्चे की माँ नहीं आई तो इंस्पेक्टर शर्मा से बात करके इसका कोई प्रबंध करवा देंगे। अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। प्रणाम पंडित जी। महादेव तने हाथ पांव धो के हमारी पूरी छान दो जी, नहीं तो हमें भी सत्तू पीना पड़ेगा या गैया की भूसी फांकनी पड़ेगी। प्रणाम। पति शीघ्र अपनी पुत्री का विवाह करें विष्णु सिंह जी। जी शास्त्र अनुसार पिता का पुत्री की ओर क्या कर्तव्य बनता है अब वो हम आपको बताते हैं। कुलम च शीलम च वपुर यशश्च विद्याम च वित्तम च सनातदाम च, अर्थात वर के कुल, शील, शरीर, यश, विद्या, धन और सनाथाता। सनाथाता यानी बड़ों का सहारा। इन सातों गुणों की परीक्षा करके आप अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करें और पुत्री का कर्तव्य है
कि वो इस कार्य में अपने पिता का सहयोग दे। पंडित जी की बात समझ गई बेटी? महादेव। और मेरी भी एक बात समझ लो, आज के बाद घर के बाहर नहीं दिखोगी तुम, अगर दिखी तो उस तिरंगी के संग तुमको भी गंगा मैया में डुबो देंगे, समझ गई? मामला था, अगर कुछ हो जाता तो सूर्य प्रकाश की जमानत भी नहीं होती। बच्चे की मां के बारे में पता किया शर्मा जी? हमने पुलिस कंट्रोल रूम से पता किया, पर पूरे जिले में किसी भी बच्चे की गुम हो जाने की कोई भी रिपोर्ट नहीं है। तो क्या बच्चे की मां के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सकता? हम आसपास के जिले में पता कर सकते हैं, पर उसमें समय लगेगा पंडित जी, हफ्ता भर। जिसने अभी तक थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाई वो क्या आएगी? त्याग चुकी है बालक को। आप ही कहते हैं ना कि हर घटना का कोई ना कोई ध्येय होता है, तो ईश्वर ने इस बच्चे को किसी कारण से ही हमें सौंपा है। जब तक दारोगा जी बच्चे की मां के बारे में पता ना लगा ले, हम बच्चे को रख ले। मात्राओं को सुधारो। जी बाबूजी। रेधिका यहाँ आओ बेटी। क्या खेला हुआ तुम्हारे टीवी पे आज? राजा भैया के कारण आज हम गायत्री के घर टीवी देखने जा ही नहीं पाए। चलो कुछ तो भला हुआ इस बालक के आने से। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। लड़कियों में ममता तो बचपन से ही होती है। हम चाहते हैं कि वेदिका का विवाह किसी सुंदर से युवक के साथ हो। तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं, वेदिका का विवाह वहीं होगा जहाँ नियति ने निर्धारित किया है। नियति ही सब सांसारिक संबंधों का आधार है। मांग खा के सो रही थी वो साली फिरंगी के संग भाग गई, अब तुम्हें खबर ही नहीं। सारा जान से मार देंगे तुमको और उन दोनों को और खुद को भी। घर को ही पागल हो गई हो क्या? वो पागल करके गई है। कहां जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे? ये सब आपके और आपके पंडित चतुर्वेदी के कारण हुआ है। हट। हमारे तो दोनों बच्चे खो गए पंडित जी। क्या करें?
मणि, आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? हमारी बेटी होती तो हम भी कुछ नहीं कर पाते विष्णु सिंह जी। जो कन्या स्वयंवर करती है उसका दायित्व स्वयं उसी पर रहता है। मृतक मान लो उसे, सोच लो तुम्हारी कोई बहन थी ही नहीं। हम कहे अगर पंडित चतुर्वेदी पाल को लिए नहीं घूमते तो तुम इस समस्या में पड़ते ही नहीं भाई। अरे पूजा के फूल को पाव लगाता है साला। ये विधर्मी साले हमारे धर्म को असुद्ध धर्म में तुले हैं। अभी शुद्ध किए देते हैं साले। हेलो काहे मार रहे हो भाई? उसने फूलों को तो रखा है, तुम काहे बड़ी फूल रहे हो? ठहर जा, शांत हो जा। एक को शुद्ध करने से कुछ नहीं होगा सूर्य प्रकाश। इस समस्या से जूझने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठित, समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? नाश करना हमारा दायित्व है, यही हमारा कर्तव्य है और यही संस्कृति है। हमारा ही धर्म और संस्कृति सबसे प्राचीन और अर्वाचीन है। आज विदेशी विधर्मियों का आक्रमण हमारे धर्म पर लगातार हो रहा है। आप जिस मार्ग पर प्रशस्त हैं उसी मार्ग पर चल के धर्म की रक्षा होगी। आज प्रतिज्ञाबद्ध हो कि हम ऐसे ही धर्म की रक्षा में सतत प्रयत्नशील रहेंगे। प्रतिज्ञाबद्ध हो। क्या हुआ लल्ला? चुप हो जा, अभी आते हैं हम। हम भोजन बना रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा, बस आते हैं। क्या हुआ? अच्छा आते हैं। रुको, चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा। आ रहे हैं लल्ला, आ रहे हैं। आते हैं, आटा सान ले तो आते हैं। आ रहे लल्ला, आ रहे। रसोई से बाहर निकले तो सब अशुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा स्नान करना पड़ेगा। चुप कराओगी इसे? जब तक हम आपको भोजन नहीं दे दें हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान कुछ करेंगे? करिए ना, तनिक उसका झुनझुना हिला दीजिए, बहल जाएगा। नहीं, आपको उसको छूने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे की मां का कहीं पता नहीं चला। अगर आप कहें तो इसे अब किसी सरकारी अनाथालय में भेज दें। सरकारी अनाथालय में भेजना उचित नहीं होगा शर्मा जी।
ब्राह्मण का बालक है, हमारे घर पे आया है, इसमें ईश्वर का कोई प्रयोजन तो अवश्य होगा। हम मंदिर के अनाथालय के कर्मचारियों से कह देंगे कि कल आके इसे ले जाएं। इतनी बुद्धि तो नहीं हम में कि हम ईश्वर का प्रयोजन समझ पाए, फिर भी एक विचार आता है मन में। तुम भी विचार करने लगी हैं। हो गया जगत का कल्याण। मस्तिष्क पर अधिक बोझ मत रखो, जो विचार आया है निकाल डालो, अन्यथा सो नहीं पाओगी रात भर। हम सोच रहे थे कि धर्म और शास्त्रों के बारे में आपसे बढ़िया और कौन शिक्षा दे सकता है। क्या पता ईश्वर चाहते हो कि इस बालक को धर्म का ज्ञान आप कराएं, जैसे अपने बेटे को कराते। तुम बालक को गोद लेने की बात कर रही हो? अगर उसकी अपनी मां आ गई तो? एक से अधिक माताओं के स्नेह का सुख तो भाग्यवान को मिलता है, जैसे आपके शिवजी के पुत्र को मिला। कार्तिके, मगर सारे पार्वती, पार्वती, क्यों इतना व्याकुल हो रहे हो? ध्यान छोड़ा है और क्या झुंझुना हिलाए? Ha 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 ha
नमामि सोनी वेरी गुड कहा मुझे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शम्भवाय नमः शम्भवाय नमः मां झूला कार्तिक कार्तिक देखो आपकी बाबूजी पूजा करें निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश आकाशवासं भजे बाबूजी और आपका गृह प्रवेश गावन यही करा लेंगे, इससे आपका घर भी गंदा नहीं होगा। पैसा पैसा हमारा वेबसाइट वाला एड्रेस पे भिजवा दीजिएगा। ओके गुड डे। अरे सारी वहां तो गुड नाइट होगा ना। भैया कैसे हैं? अमेरिका से फोन था। आ गए पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। आ गए। कहे अमेरिका से फोन था। विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं हमारे पंडित दयाशंकर जी। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से वैश्य, वो भी धर्म का व्यापार।
बढ़िया है पंडित जी। हम कहें इसमें बुराई क्या है, समय के साथ प्रत्येक मनुष्य को बदलना चाहिए। समय के साथ सत्य नहीं बदलता और धर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। हो सके तो समझने का प्रयत्न करना दयाशंकर। आ रहे हैं बेटुआ। हम कहें प्रणाम भाव जी। आइए दयाशंकर जी। नहीं हम यही ठीक है। प्रणाम पंडित जी। अब भौजी हम कहें वो बच्चा जिसे वेदिका को औरत दे गई थी सड़क पे, जिसे पंडित जी पुत्र मानते हैं और आप कार्तिके बुलाते हैं, उसकी माँ आई है उसे लेने। वो कहती है दंगों से बचती दूर गांव से आई थी, भूख प्यास से व्याकुल घाट पे असक पड़ गई थी। लोगों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। हम कहे वो कार्तिकी की माँ अपना बच्चा खो जाने पर अपना मानसिक संतुलन कुछ। हाँ कार्तिकी की माँ, आप स्वयं ही मिल लीजिए उनसे, हमें घाट पे मिल गई थी, आप ही का पता पूछते। आइए 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 आइए। पंडित चतुर्वेदी के घर आपका प्रवेश वर्जित नहीं हो सकता। आइए 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 आइए, जहाँ बछड़ा वहाँ गाय। जी नमस्ते, मेरा नाम नफीसा है। मैं मदनपुरा में दारुल मोहसिनात इंस्टीट्यूट चलाती हूँ और ये है सुरैया। मुस्तफा इसी का बेटा है। खुदा आपको बरकत दे जो आपने इसके बच्चे को अपने घर में पनाह दी। ये कैसे हो सकता है, वो तो दरअसल बच्चा बहुत छोटा था, उसका तो खतना भी नहीं। किसी के भी बच्चे को घर उठा लाएं? जब भदोई में दंगे शुरू, ना जात का पता किए तुमने उसे छुआ भी कैसे? बच्चा ब्राह्मण का के भागी वहां से। वेदिका ने पूछ ली। मुझे सरकारी अस्पताल में मिली, इसे तो कुछ होशो हवास नहीं था। इसे एक अरसा लग गया ढंग से बात भी करने में, और फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर। उसके बाद कोतवाली में हमें इंस्पेक्टर शर्मा मिले। हम आपको ढूंढते आ ही रहे थे कि रास्ते में दयाशंकर जी मिल गए। वेदिका, वेदिका, नहीं, 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 नही
सत्यम च सत्यम चावेदाय सत्यत्रोणव सर्वावस्थापिवास्मरेक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। हम आपसे हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। तुम लोगों के अपराध का दंड हम स्वयं को देंगे। तुम अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पाई, हम तो रख सकते हैं। हम इसी क्षण से अनिश्चित काल के लिए मौन व्रत धारण करते हैं। आपने शुद्धिकरण कर लिया है पंडित जी, ईश्वर जानता है आपका कोई दोष नहीं है। आपको सच का पता नहीं था। अच्छा, यदि आप चाहें तो मौन ना तोड़िए, पर मंदिर का कार्यभार फिर से संभाल लीजिए। पंडित जी की पंडिताई धरी की धरी।
अपने मैरारू से मूर्ख बन गए। विदर्भी हो गए। पोथी से लेकर भगवान की मूर्ति तक छुआ है उस बच्चे ने। शास्त्रों के अनुसार तो शुद्धिकरण हो गया है उनका, पर इनके मंदिर का कार्यभार तुम्हें उस नौकरी का लोभ का है? तुम तो अब माला माल हो। हमें नौकरी का लोभ नहीं है भाई, पर मंदिर का प्रमुख तो वही हो सकता है जो हार्दिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक रूप में पवित्र हो। पंडित चतुर्वेदी अब भ्रष्ट हो चुके हैं। अक्ल ठिकाने है तुम्हारी? पंडित चतुर्वेदी ने शुद्धिकरण और प्रायश्चित दोनों कर दिया। वैसे भी उन्हें हटा देना चाहिए, हमारे रहते कभी नहीं। आपका यह फैसला भी हमेशा की तरह गलत है। सरकार ने राजपाट ले लिया और मनी, हम आपके चलते पंडित चतुर्वेदी को अब तक झेल रहे थे, पर अब नहीं। तो क्या करोगे तुम? उन्हें जबरदस्ती हटाओगे उस धंधेबाज दयाशंकर के लिए? धंधेबाज? वो धंधेबाज एक धर्म भ्रष्ट से ज्यादा योग्य है। और आप नहीं माने ना बाबूजी, तो हम उसे अपने संगठन की शक्ति से हटाएंगे। तो फैसला हो ही जाए सूर्य प्रकाश, तुम्हारे पास है दयाशंकर, गोरखनाथ और तुम्हारे संगठन की शक्ति, और पंडित चतुर्वेदी के पास है उनका धर्म। हम तुम सबको चुनौती देते हैं, यदि तुम शहर के लोगों का समर्थन प्राप्त कर पंडित चतुर्वेदी को अपवित्र और अयोग्य सिद्ध कर दोगे, तो हम पंडित जी के साथ 10 पीढ़ियों से चले आ रहे यजमान और पुरोहित के इस संबंध को समाप्त कर देंगे। आप सर्व कहता है, हम अपने मन और विचारों को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। प्रायश्चित के सारे प्रयासों के उपरांत भी मन विचलित है। हमें पूर्ण समर्पण की शक्ति दे प्रभु। ऐसी शक्ति जो हमें धर्म के सही रास्ते पर चलने के लिए सक्षम बनाए। अमावस्या की रात्रि के इसी क्षण से हम चंद्रायण व्रत आरंभ करते हैं। प्रणाम। कहाँ है पंडित जी? वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते। काहे? बोलने लायक नहीं रहे तो मौन व्रत धारण कर लिया का? वो पूजा में है और घोर प्रायश्चित के लिए व्रत का अनुष्ठान लिया है उन्होंने। व्रत? अब कौन सा व्रत करेंगे? पता नहीं। चंद्रायण व्रत?
पंडित जी चंद्रायन व्रत करेंगे। ये कौन सा व्रत है? ये चंद्रायन व्रत शास्त्रों में लिखित अत्यंत ही कठिन व्रत है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा को मात्र एक कौर, द्वितीया को दो कौर, इसी क्रम से एक एक कौर बढ़ाते हुए पूर्णिमा को केवल 15 कौर ग्रहण करने की अनुमति है। फिर पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से एक एक कौर कम करना पड़ता है, अर्थात प्रतिपदा को 14, द्वितीया को 13 आदि। तात्पर्य है कि चंद्रमा की कला बढ़ते समय कौर बढ़ाना और घटते समय कौर घटाना, यही चंद्रायन व्रत है। इसके अतिरिक्त इस व्रत में और कुछ भी ग्रहण करने का विधान नहीं है। महेशम सुरेशम सुरारार्थिनाशम विभुम विश्वनाथम विभूत्यंगभूषम विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नि त्रिनेत्रम सदानंदमीडे प्रभु पंचवक्त्रम गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम गवेन्द्राधिरूढम गणातीतरूपम भवं वास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं शिवाकांत शंभो शशाकार्धमौले महेशानुशूलिं जटाजूटधारिं त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप परमात्मा ममेकं जगद्वीजमाद्यं निरीहं निराकार मोकार वेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुर्न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्त्री तमीडे न शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमापारमात्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे वरण्यो वरेण्यो नमान्यो नगण्यः शंभो महेश करुणमय शूलपाणे गौरीपते पशुपाशनाशि काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि तस्मै नमः परं कारणकारणाय दीप्तोज्ज्वलज्वलितपिङ्गललोचनाय नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय ब्रह्मेन्द्रविष्णुवरदाय नमः शिवाय श्रीमत्प्रसन्नशशिपन्नगभूषणाय शैलेन्द्रचापदनचुम्बितलोचनाय कैलाशमन्दरमहेन्द्रनिकेतनाय लोकत्रयार्तिहरणाय नमः शिवाय पद्मावतारमणिकुण्डलगोवृषाय कृष्णागरुप्रचुरचन्दनचर्चिताय भस्मानुशक्तविकचोत्पलमल्लिकाय नीलाब्जकण्ठसदृशाय नमः शिवाय लम्बतसपिङ्गलजटामुकुटोत्कटाय दर्शाकरालविकटोत्कटभैरवाय व्याघ्राजिनाम्बरधराय मनोहराय त्रैलोक्यनाथनमिताय नमः शिवाय दक्ष प्रजापति महामकनाशनाय क्षिप्रं महात्रिपुरदानवघातनाय ब्रह्मोर्जितोर्ध्वगकरोटिनिकृन्तनाय योगाय योगनमिताय नमः शिवाय संसारसृष्टिघटनापरिवर्तनाय रक्ष पिशाचगणसिद्धसमाकुलाय Thank you.
आपकी कृपा से आज चंद्रायण का व्रत समाप्त होगा। यदि हमारे वचन या कर्म में कोई पाप शेष है तो तेरी इसी अग्नि में हम उसे समर्पित करते हैं। हमें ऐसी शक्ति दो प्रभु कि सब बाधाओं के विपरीत हम धर्म के रास्ते पर चलते रहें। क्षमा कर दीजिए हमें, हमें नहीं पता था कि हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। अब हम कभी भी धर्म के रास्ते से नहीं भटकेंगे। हम तुम्हें क्षमा करते हैं, हमने भी तन मन और आत्मा से प्रार्थना की है। आशा करते हैं ईश्वर हमें क्षमा कर देंगे। अभी देते हैं। अरे कहाँ परोसो। प्रणाम पंडित जी। जल्दी कर दीजिए। अब तपस्या समाप्त न मां। हाँ समाप्त। बनारस के नजदीक सेवापुरी में दो गुटों के बीच छुटपुट झड़प ने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया है। प्रशासन को इसका अंदेशा पहले से ही था, इसीलिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों का इंतजाम भी करवाया गया था, लेकिन भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इन झड़पों के अचानक सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो जाने के मूल कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने जल्द ही स्थिति पर काबू पा लेने का दावा किया है। इलाके में आगजनी, पथराव और लूटपाट की कई घटनाएं हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को उचित इलाज भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। कई लोगों के हताहत होने की खबर है। कई शव इतनी बुरी तरह से झुलस गए हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है। मरने वालों में एक विदेशी पत्रकार पॉल गॉर्डन भी है। पॉल हिंदू धर्म पर एक किताब लिख रहे थे। हम सब सूर्य प्रकाश से सहमत है विष्णु सिंह जी। मनी इस घर में अब नहीं रह सकती है। यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? और कौन चुप रही है आप? सब आपके हट की वजह से हुआ है। अब तो रिश्तेदार भी तू तू कर रहे हैं, तो मत रखे रिश्ता। बेटी है हमारी, गंगा मैया में बहा नहीं देंगे उसे। पंडित चतुर्वेदी को आ लेने दीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिएगा, वो भी यही कहेंगे। आपात स्थिति है विष्णु सिंह जी, ये सही है कि मणि स्वेच्छा से इस घर का त्याग करके गई थी, परंतु इस आपात स्थिति में एक विधवा के पिता होने के नाते
शास्त्र अनुसार आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके रहन सहन, कपड़े, भोजन और औषध इत्यादि का प्रबंध करें। गम के जिया पिया पिया भोले जिया राम रे पिया जग भय देवापुरी में भड़के दंगों की आग बनारस तक पूरी तरह फैल गई है। बदले की भावना से ग्रसित इस हिंसा की वजह से एक विशिष्ट समुदाय में दहशत का माहौल है। स्थिति और खराब ना हो इसलिए मकबूल आलम रोड और उसके आसपास के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सांप्रदायिक तनाव ने इस आध्यात्मिक शहर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। नमस्ते बहन जी। माँ। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश। बहन जी मेरी, मेरी मेरी बात तो सुनिए। माँ माँ कार्तिका माँ सुनिए मेरी बात तो सुनिए। सुनिए दंगे हो गए हैं वहाँ। बड़ी मुश्किल से मुस्तफा को बचा के लाई हूँ। कार्तिक आपका कार्तिक आपका ही आसरा है मेरे बच्चे को। कालम कृपालम ये तो आपका ही है। गुणागार संसार पारम इसे बचा लीजिए। दरवाजा खोलिए वो इसे मार देंगे। त्रिसंकाश दरवाजा खोलिए। गौरम गभीरम बचा लीजिए। मनोभूत कोटि सुनिए खुदा सब देखता है। चारु गंगा हम पर रहम कीजिए। बहन जी इस बार सूखी जान बचा लीजिए। बहन जी आप माँ हैं। आपका कार्तिक है ये। आप इतनी पतली कैसे हो सकती है। बहन कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानमम खुदा के बाद नीलकंठम दयालम। सुन माँ को बुला। बुला माँ को। बुला फिर से बुला। प्रगाधीश चरमांबरम बाऊजी को बुला। मुंडमालम बुला बाऊजी को। बाऊजी को बुला। बाऊजी पूजा कर रहे। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजम। महादेव Ah
अपने धर्म का पालन किया है, है ना? महाशांति फिर से हवन करवा रहे हैं। शांत से पंडित जी अपना धर्म निभाएंगे। प्रणाम पंडित जी। अच्छा सुना है कि उसमें से एक चोरी वाली गली में भाग गया था। अरे भागता कैसे, भीड़ ने दौड़ा के पकड़ा। पर असली कमाल तो भैया पंडारी ने किया। पंडारी ने? प्रणाम पंडित। जैसे उस बेचारे हिंदू को छुरा घोंप के मारे वो साले, पंडारी ने भी ठीक वैसे ही किया। तनिक विस्तार से बताइए हुआ क्या। औरत बूढ़े बच्चे जो भी विधर्मी आया सामने उसकी तलवार की नोक पे। हमारे भाई बंधु हमारा धर्म विधर्मियों के हाथों मारा जा रहा है। प्रणाम पंडित। रात को हम करेंगे कमाल। विधर्मियों को तो उनके कर्मों का फल भोगना ही होगा। एक भी विधर्मी नहीं बचेगा महादेव की कृपा से। पंडित जी, पंडित जी आज अत्यंत शुभ दिन है। आज आप शांति पाठ करने जा रहे हैं और आज ही सूर्यप्रकाश जी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने जा रहे हैं। हम कहें अब धर्म की रक्षा के लिए अब प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाने का समय आ गया। सरल नहीं है प्रेम को त्यागना। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। आत्मोमप्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं सुखं च योगी परमेश्वरं संवर्ततु मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः संगच्छतुं संवत्ततुं संवो मनानसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। Thank you.
रहा है, कामिन हाथ से भूत ताक रहा है, अब उसे चेहरा रहा है। कार्तिक कार्तिक प्रकाश, हिंसा घोर अपराध है। ये कर्म भूमि है पंडित जी, और यहाँ उपदेश नहीं चलेगा, ये चलेगा ये। गोरख, पकड़ जा देखो। मुस्तफा, बच्चे के मुंह में धर्म को छोड़ रहे हैं पंडित जी। अभी खत्म कर देते हैं साले को। जन्म से हमने तुम्हें धर्म की शिक्षा दी है सूर्य प्रकाश, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलने देंगे। संगच्छतुम संबद्धतुम संभो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्व संजाना ना उपासते। आज हमें ज्ञात हुआ धर्म केवल साधना नहीं कर्तव्य भी है, कर्म भी है, एकता और सद्भावना है धर्म, भेदभाव को त्यागना है धर्म, मानवता है धर्म। कार्तिक, बाबूजी।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो सबको सम्मति दे भगवान भाई भो जाए माफी नहीं छोड़
Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.